अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर 2, पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में माशियाती बढ़ोतरी के बारे में मालूमात हासिल की, उसके हुदूद जाने। अब आज हम पार्ट 2 में माशियाती तरक्की यानी कि आर्थिक विकास के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। माशियाती तरक्की क्या है, इसकी खसूसियत क्या है, इसके हुदूद क्या है, आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो माशियाती तरक्की क्या है, माशियाती ख्याल क्यों पैदा हुआ? तो दुनिया के यानी कि विश्व के दुनिया के तमाम मुल्क इसके जानकारी क्यों लेना चाहते हैं और उसे अपने मुमालिक के मंसूबे में क्यों शामिल करना चाहते हैं? दुनिया में इसे बहुत से हादसे होते हैं, मसलन पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग, अमेरिका की 1929 से 30 की महामंदी, भारत 1947 में आज़ाद हुआ। तो दुनिया के तमाम ममालिक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, लेकिन ये तमाम हादसों के पीछे ये जितने भी ममालिक हैं, तमाम के तमाम जो ममालिक हैं, उनको सिर्फ एक ही फिक्र रहती है कि वो हमारे मुल्क की तरक्की को कैसे आगे बढ़ाए या उसमें किस तरह से तेज़ी लाए। मसलन हम दुनिया के 3 ममालिक लेते हैं, पहला हम ले लेते हैं अमेरिका, दूसरा लेते हैं अफ्रीका और तीसरा ले लेते हैं भारत। अमेरिका को हम तरक्की याफ्ता कह सकते हैं, अफ्रीका को हम पेशमानदा कह सकते हैं, और भारत को तरक्की पजीर। अब ये जो तीनों ममालिक है, ऐसे तो दुनिया में बहुत से ममालिक है, लेकिन सभी ममालिक की जो नज़र रहेगी वो सिर्फ एक इस पर ही टिकी रहेगी, वो है फलाव बेहूदी यानी कि लोगों की रोज़ी रोटी और कपड़ा यानी कि लोगों का कल्याण, जिसको हम गुजराती में कहेंगे सुखाकारी। तो ये किस वजह से होती है? तो ये भाई जिस मुल्क की कौमी आमदनी और फीकस आमदनी अगर ये दोनों में तवील अरसे तक या फिर मुसलसल इजाफा होता रहता है तो उसके हम कह सकते हैं कि ये मुल्क तरक्की पजीर है या तरक्की याफ्ता है। लेकिन ये दोनों में तब्दीली आती है, तो भाई ये तब्दीली किस वजह से होती है? तो उसके दो मियार हैं, एक तो तनासुबी तब्दीली और दूसरा है मिकदारी, जिसको हम तनासुबी को हम सिफती भी कह सकते हैं। अब मैंने तुम्हारे को ये आप लोगों को 3 ममालिक दिए थे कि अमेरिका, अफ्रीका और भारत, ये तीनों 3 ममालिक का ध्यान सिर्फ एक पर ही है और वो है रोज़ी रोटी यानी कि हमारे मुल्क के लोगों की फलाह व बेहूदी। तो भाई किसकी? तो लोगों की फलाह बेहूदी, उनकी फलाह व बेहूदी यानी कि उनको रोज़ी रोटी सब मुसलसल मिलती रहे, इसी हर ममालिक इसी फिक्र में रहता है। अब लोगों में सूखाखारी यानी कि उनकी फलाह व बेहूदी में अगर इजाफा होता है तो हम ये कैसे जानेंगे? उसके दो मियार हैं कि मुल्क की सरकार जान सकती है कि लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ या नहीं, तो उसके भी दो है, एक तो है कौमी आमदनी और दूसरा है फीकस आमदनी। कौमी आमदनी यानी कि राष्ट्रीय आवक और फीकस आमदनी यानी कि माठाधिक आवक, दोनों का ख्याल हम 11वीं जमात में सबक नंबर 9 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय आवक। अब कौमी आमदनी और फीकस आमदनी में मुसलसल इजाफा होता है, ये हमको कैसे पता चलता है कि मुल्क में तरक्की हुई है या नहीं हुई है? तो सरकार हमेशा यही कोशिश करती रहती है कि हमारा मुल्क है यानी कि कोई भी मुल्क ये सोचता है कि जो हमारा मुल्क है वो तरक्की की राह पर आगे बढ़े या उसमें मुसलसल इजाफा होता रहे। तब ये इजाफा इसकी तब्दीली होती है, तो ये इसकी दो तरह की होती है, एक तो पहले ही मैंने तुमको बता दिया आप लोगों को कि मिकदारी और दूसरा है तनासुबी। अब मिकदारी तब्दीली यानी क्या? तो मिकदारी तब्दीली यानी कि तादाद में, जिसे हम गिन सकते हैं संख्या में। पहले बढ़ोतरी में भी मैंने आपको बताया था, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि गए साल भारत में जो गेहूं की पैदावार थी वो 35,000 टन थी, लेकिन इस साल गेहूं की पैदावार में इजाफा हुआ है यानी कि 40,000 टन हो गए। तो यहाँ पर पहले 35,000 थी और उसकी जगह पर 40,000 हो गई यानी कि इजाफा हुआ। दूसरा है कि
सिफती तब्दीली यानी कि तनासुबी तब्दीली। तो सिफती तब्दीली के अंदर क्या होता है कि लोगों का म्यारे ज़िंदगी में इस्लाहत आए तो हम कह सकते हैं कि वो मुल्क तरक्की की राह पर है, या फिर ये दोनों बातों के ऊपर सरकार हर ममालिक की सरकार ध्यान देती है और ध्यान देने पर यही उसकी कोशिश रहती है कि हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों के मुकाबले में आगे बढ़े। अब दोनों के म्यार के शोबों में कौन सी तब्दीली आई ये भी हमको पता चले, तो इसके लिए भी दो तीन इसके पॉइंट हैं। एक तो है खेती, सनत और खिदमत यानी कि खेती, उद्योग और सेवा। हमने इससे पहले तीन लिए थे मुमालिक, अमेरिका, अफ्रीका और भारत। तो हम कह सकते हैं कि भारत तरक्की पजीर मुमालिक है। तो भाई किसके बिना पर हम कह सकते हैं कि भारत तरक्की पजीर है? तो मुल्क की खेती के शोबों में आमदनी में अगर कमी आती है, मुल्क की खेती के शोबे की कौमी आमदनी में अगर कमी आती है और सनतों की कौमी आमदनी में अगर इजाफा होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो तरक्की पजीर है। तो इसीलिए हम इसकी तारीफ पेश करेंगे कि माशियाती तरक्की यानी तवील अरसे में आमदनी के इजाफे के साथ माशियात की आबादी में होने वाला इजाफा, यानी कि तरक्की तो हो रही है तो बढ़ोतरी भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो उस मुल्क है उस मुल्क के अवाम की अगर इस्लाहत होती है, उनका म्यारे ज़िंदगी अगर ऊंचा जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि माशी तरक्की हो रही है। तो माशियाती तरक्की यानी तवील अरसे में आमदनी के इजाफे के साथ माशियात की आबादी में होने वाला इजाफे को माशियाती तरक्की कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि माशियाती खसूसियात आर्थिक विकास ना लक्षणों। तो माशियाती खसूसियात इसके सात पॉइंट है। पहला है माशियाती तरक्की मुसलसल चलने वाला अमल है। नंबर दो है मिकदारी और तनासुबी तब्दीली। नंबर तीन मांग में तब्दीली, मेहनत की नकल हरकत में तब्दीली, पूंजी में इजाफा, टेक्नोलॉजी में तब्दीली, अचानक कुछ मरहले के बाद तरक्की के अमल होता है। तो पहले हम देखेंगे कि माशियाती तरक्की मुसलसल चलने वाला अमल है, यानी कि शुरुआत में माशी तरक्की कोई भी मुमालिक की शुरुआत में माशी तरक्की तेज़ी से होती है, लेकिन ये तेज़ी से जो चलती है हमेशा के लिए नहीं चलती है, वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें कमी भी आती है और उसको टिका रखना यानी कि उसको हमेशा कायम रखना हर मुमालिक के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? कि तमाम मुल्कों की सरकार इतनी ज़िम्मेदार नहीं होती। मुल्क की माशी हालत जो चलती है उसे वैसे रखना उसके ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से परिबल बहुत से वजूहत आते हैं, मसलन गरीबी, बेरोज़गारी, लोगों की गैर यकसानियत आमदनी, ये तमाम के तमाम के बिना पर माशियात में तरक्की को मुसलसल तरक्की को रखना हरगिज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें कमी आ ही जाती है। इसके बाद है मिकदारी और तनासुबी तब्दीली। तो हम कह सकते हैं कि माशियात में ये तब्दीलियाँ क्यों आती है? तो इसकी दो बातें मैंने पहले ही बता दी कि हमारे पास दो बातें हैं, इसके दो म्यारे, उसको दो इससे हम नाप सकते हैं, एक तो मिकदारी और दूसरा सिफती। मिकदारी यानी कि पैदावार में इजाफा होता है, मसलन सनतों में इजाफा, गेहूँ में इजाफा, सरकार की आमद में इजाफा, फिर माथाधिक आवक यानी कि फीका सामग्री में इजाफा, ये तमाम के तमाम मिकदारी पैदावार में आ जाता है। इसके बाद मुल्क में तहकीक के ज़रिए जो तब्दीली आती है उसे सिफती तब्दीली कहते हैं। जैसे असिया खिदमत में अगर इस्लाहत होती है तो उसे हम सिफती तब्दीली कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कौन सी अशिया की कीमत कम हो रही है, किसकी बढ़ रही है, किसकी मांग में इजाफा हो रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है या कम हो रहा है, तो ये तमाम के तमाम दो मियार के ऊपर मुनसिर है, एक तो मिकदारी पैदावार और दूसरा सिफती। इसके बाद है तीसरा के मांग में तब्दीली। तो भाई मांग में तब्दीली कहाँ होती है? तो मांग में तब्दीली होती रहती है कि
इंसान की जो ज़रूरत है वो ला महदूद है, लेकिन इंसान की जो पहली ज़रूरत है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अगर मुल्क की तरक्की हो रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, जो अवाम है, उनकी भी तरक्की होती है, उनका मियार ज़िंदगी ऊँचा जाता है। मुल्क की अवाम की जो पहली थी ज़रूरत वो थी रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन वक्त गुजरे साथ साथ उस अवाम ने तरक्की हासिल की। तो जैसे जैसे वो तरक्की हासिल करेगा, यानी कि उसकी आमदनी में जैसे जैसे इजाफा होगा, उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाएगी तो उसकी ज़रूरत भी बढ़ती जाएगी। पहले वो रोटी, कपड़े और मकान पर मुनहसर था, लेकिन उसकी आमदनी में इजाफा हुआ तो उसके मौत शौक के जो सामान है उसमें भी इजाफा होगा। मसलन मोबाइल लेगा, पहले टू व्हीलर पर फिरता था तो फोर व्हीलर पर रहेगा, पहले वो ऐसे कच्चे घर में रहता था अब पक्के घर में रह जाएगा, बंगले में रहेगा। ये तमाम के तमाम उसकी जो ज़रूरत है वो बढ़ती जाएगी, और जब ज़रूरत बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, मतालबे में इजाफा होगा। और इसकी मेन वजह क्या होगी, इसकी वजूहत कि जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत बढ़ती जाएगी तो अफरात ज़र में भी इजाफा होगा। इसके बाद है मेहनत की नकल हरकत में इजाफा, यानी कि वो यहाँ पर बात है कि मुल्क के मज़दूर मेहनत करने वाले जो अलग अलग शोबों में काम करते हैं उनकी बात है। उन वो काम कहाँ करते हैं, कौन से शोबों में करते हैं, फ़र्ज़ करो कि पहले जो लोग हैं वो खेती के शोबों में ज़्यादा काम करते थे, लेकिन मुल्क की तरक्की के साथ साथ लोगों में तालीम आई, पहले इतनी तालीम नहीं मिलती थी, जिसके नतीजे में वो खेती के शोबों पर मुनहसर थे। लेकिन लोगों ने गांव में भी तालीम हासिल करते अपनी तरक्की को राह पर लाए, तरक्की की राह पर आए, और वो लोग जो खेती के शोबों में थे वो गांव को छोड़कर अगर शहर में आकर रहने लगे तो शहर में आकर रहने लगे, अब शहर में आकर रहने तो लगे लेकिन अलग अलग शोबों में जब वो काम करते हैं तो उनका मियार ज़िंदगी ऊँचा आया, क्योंकि पहले वो सिर्फ गांव में खेती के ऊपर ही मुनहसर थे, लेकिन गांवों को छोड़कर वो किसकी तरफ रागिब हुए, शहरों की तरफ, और अलग अलग शोबों में काम करने लगे। लेकिन ये किस वजह से हुआ कि अब उसमें उन्होंने उन लोगों में तालीम आई। इसके बाद है कि लोगों की आमदनी में इजाफा, यानी कि पूंजी में इजाफा, तो लोगों की आमदनी बढ़ी। जब वो बाहर से पहले गांव में थे शहरों में आए, शहरों में वो कमाने लगे तो उनकी आमदनी में इजाफा हुआ। जब आमदनी में इजाफा हुआ तो हर शख्स यही सोचेगा कि उसकी जो आमदनी है, जो उसकी पूंजी है, उसका डबल है, जिसे हम अकाउंट में पढ़ते अकाउंट में पढ़ते कि जो पूंजी है उसको मूड़ी रोकाण करते, जिसको हम गुजराती में बोलेंगे। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी आधी पूंजी, यानी कि अपना आधा सरमाया दूसरे कामों में लगाकर आमदनी में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं, जिसके नतीजे में ये होता है कि जो पूंजी हमारे पास कम होती है उसके अंदर इजाफा होता जाता है। तो इसकी यही वजह है कि जिसके नतीजे में हमारा मुल्क है, कोई भी मुल्क है, वो तरक्की की राह पर है। इसके बाद का पॉइंट है टेक्नोलॉजी में तब्दीली, यानी कि टेक्नोलॉजी में तब्दीली किस वजह से हुई। तो टेक्नोलॉजी में तब्दीली भी आर्थिक विकास का लक्षण ही है, क्योंकि जब मुल्क तरक्की करेगा, एग्जांपल के तौर पर कि पहले लोग जो खेती करते थे तो वो खेती कैसे करते थे, बैल से करते थे, लेकिन उसकी जगह पर अब क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गए। हर चीज़ टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की करी कि इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। पहले हम जो तवानाई हासिल करते थे वो पानी से हासिल करते हैं, अब सूरज ऐसी टेक्नोलॉजी करी के सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने लग गए। पहले जो कोयले से गाड़ी चलती थी अब वो किससे चलती हो गई, इलेक्ट्रिक से चलती हो गई। इसके अलावा पेट्रोल डीजल, ये तमाम के तमाम टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। तो टेक्नोलॉजी भी आई तो किस वजह से आई, तो उस मुमालिक ने किस में तरक्की हासिल की कि उसका माशियाती तरक्की में इजाफा हुआ, नतीजन उसकी अवाम की अवाम में इस्लाहत हुई, उसकी फलाह व बेहूदी में इस्लाह हुई, लोगों को रोज़ी रोटी रोज़गार ये सब मिलने लगा, जिससे हम कह सकते हैं कि वो मुमालिक दुनिया का वो मुमालिक तरक्की याफ्ता है। ये इसके साथ पॉइंट है। अब इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक विकास ना ख्यालों ने मर्यादाओं, यानी कि माशियाती तरक्की के ख्याल के हदूद, माशी तरक्की ख्याल के हदूद। तो माशी तरक्की ख्याल के हदूद कितने हैं, तो उसके तीन हदूद हैं। एक तो है कि माशी तरक्की मुल्क की तरक्की को बताती है, इंसानी तरक्की का मियार को नहीं बताती। याद रहे कि इंसानी तरक्की का मियार
नहीं मापा जा सकता। दूसरा है कि माशियाती तरक्की में समाज में होने वाली तब्दीली पर मुश्तमिल है, इसीलिए उसे नापने का काम बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो तनासुबी में ही मापा जाता है। माशियाती तरक्की में आम तौर पर आवाम की ज़िंदगी उसके मियार में इस्लाहत होती है, लेकिन ये इस्लाहत हम बरकरार नहीं रख सकते क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे बहुत से वजूहात होते कि ये हमेशा मुसलसल चलने वाला नहीं है, वक्त के साथ साथ इसमें कमी आती ही रहती है, यानी कि हमेशा मियारे ज़िंदगी में इस्लाहत हम नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक विकास का तफावत, इसके बाद के बाद हम देखेंगे पार्ट 3 में।